प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज वेजिटेबल पलाव और पचड़ी बनाएंगे। पहले पलाव के लिए जो सामग्री चाहिए देखते हैं। पत्ता गोभी, मटर, कच्चा मटर भी ले सकते हैं, सूखा वाला मटर भिगा के भी ले सकते हैं, गाजर, पुदीना, नवलकोल, बीन्स, लवंग, इलायची, बड़ी इलायची, मराठी मगु, तेज पत्ता, टमाटर, कड़ी पत्ता, ग्रीन मिर्ची, अदरक, हरी धनिया, चावल, एक पाव चावल लिया है, नारियल कस के लिया है। अभी कुकर में थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, 2-3 स्पून घी, 2-3 स्पून ऑयल। गरम होने के बाद राई डाल रही हूँ, गरम मसाला सब डाल रही हूँ, अदरक मिर्ची, तेज पत्ता, इसको एक बार ऐसा घुमा लेंगे। पुदीना डाल रही हूँ, फ्राई कर लेंगे। पत्ता गोभी छोड़ के सारी सब्जियां डाल रही हूँ, ये भी 1 मिनट के लिए ऐसा फ्राई कर लेंगे। अभी पत्ता गोभी डाल रही हूँ, टमाटर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अभी नारियल डाल रही हूँ, चावल 1:2 पानी डाल रही हूँ, एक चावल माना 2 पानी। अभी धनिया डाल रही हूँ, इसको भी मिला लेंगे। अभी कुकर ढक के 2 विशल लेने से वेजिटेबल पुलाव रेडी हो जाएगा। पुलाव बनने तक पचड़ी बना लेंगे। पचड़ी के लिए जो सामग्री चाहिए, नारियल, टमाटर बारीक काट के लिया है, हरी धनिया, अदरक, मिर्ची बारीक काट के लिया है, कड़ी पत्ता भी बारीक काट के लिया है, काकड़ी को भी बारीक काट के लिया है। को चोंक लगाएंगे। कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद राई, हींग, कड़ी पत्ता, अदरक, मिर्ची, अभी एक बर्तन में काकड़ी डाल रही हूँ, नारियल,
टमाटर जो काट के रखा था ना, सब एक बर्तन में डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक, दही, जो चौंक करके रखा था ना वो भी इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। ये पुलाव के साथ बहुत अच्छा होता है। हरी धनिया डाल रही हूँ। ये वेजिटेबल पुलाव के साथ कोई भी बात के साथ अच्छा लगता है। देखिए, वेजिटेबल पुलाव और पचड़ी रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाली हूँ। वेजिटेबल पुलाव पचड़ी रेडी।